हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। दोस्तों, मैं पीके मिश्रा आपका लेट्स स्कोर 100 में वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। दोस्तों, डिसेंट्रलाइजेशन को समझने से पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में डिसेंट्रलाइजेशन को समझने से पहले हमें फेडरलिज्म समझना बहुत जरूरी होता है। एंड आप लोग जानते हैं वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म सेज देयर इज डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन टू टीयर्स, राइट? तो अभी तक ये किन टू टीयर्स में पावर्स का डिवीजन हो रहा था? हम जानते हैं कि ये दो टीयर्स थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वर्क्स फॉर द एंटायर कंट्री एंड डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स लाइक तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटका, तमिलनाडु एटसेट्रा। ऑल मींस अभी तक पावर का डिवीजन हो रहा था टू टीयर्स में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स। अब इसी फेडरलिज्म को कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और हम डिसेंट्रलाइजेशन को समझते हैं। आप जानते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा? जब पावर का डिवीजन यानी पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के लोकल गवर्नमेंट्स को दे दी जाएगी। अब आप कहेंगे सर, लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? आइए देखते हैं लोकल गवर्नमेंट। हम इस पिरामिड के हेल्प से समझते हैं। देखिए, हम लोगों ने फेडरलिज्म के की फीचर में समझा था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, GOI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वर्क्स फॉर द एंटायर कंट्री। देन वी हैव स्टेट गवर्नमेंट्स इन डिफरेंट स्टेट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स हो गए। Then we have local self governments, local self government, जिसको हम लिखेंगे LSG, local self governments, right? अब देखिए, जो local self government होती है वो rural areas में अलग तरीके से होती है और urban areas में अलग तरह की होती है। आइए देखते हैं। अब पहले हम समझते हैं rural areas में, right? rural areas में, रूरल एरियाज में क्या स्ट्रक्चर होता है? रूरल एरियाज में यहां पे जगह कंप्यूटराइज को हम इसके लिए हम इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं या यहीं समझते हैं। रूरल एरियाज में क्या होता है यहां समझते हैं। रूरल एरियाज में इसे दो ब्रांच बना लेते हैं हम लोग। ये रूरल एरियाज में हो गया, ये अर्बन एरियाज में हो गया। ये हो गया हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राइट? रूरल एरियाज में क्या होता है? सबसे पहले एकदम नीचे के लेवल से समझते हैं। विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होती है, ये रूरल एरियाज में है। रूरल एरिया विलेज लेवल पे होगा ग्राम पंचायत। देन ब्लॉक आता है हमारा, ब्लॉक लेवल पे होती है पंचायत समिति। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, डी फॉर डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है हमारी जिला परिषद। तो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गई रूरल एरियाज के लिए। अब आइए देखते हैं अर्बन एरियाज में क्या स्ट्रक्चर होता है। देखिए, ये हो गया, ये हमारा हो गया अर्बन, यू फॉर अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में क्या होता है? जो दोस्तों, जो बहुत छोटे टाउन होते हैं जिनकी पॉपुलेशन 10,000 से लेकर के 20,000 के बीच में होती है, वहां पे नगर पंचायत होती है। सबसे छोटी होती है नगर पंचायत, जिनकी पॉपुलेशन 10K से यानी 10,000 से 20,000 के बीच होती है, राइट? वहां पे होती है हमारी नगर पंचायत। दूसरे लेवल पे आती है म्यूनिसिपल काउंसिल, जहां जिस सिटी की पॉपुलेशन 20K यानी 20,000 से ज्यादा होगी बट 3 लाख से कम होगी। बिलो 3 लाख मीन्स जिस सिटी की पॉपुलेशन 20,000 से ज्यादा एंड 3 लाख से कम होगी, वहां पे क्या होगा? म्यूनिसिपल काउंसिल। कंफ्यूज मत होना आप लोग, म्यूनिसिपल काउंसिल छोटा होता है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बड़ा होता है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उन सिटीज में होता है जिनकी पॉपुलेशन 3 लाख से ज्यादा होती है, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, जितनी मेट्रो सिटीज हैं। यानी जिन सिटीज की पॉपुलेशन 3 लाख से ऊपर है वो सारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। तो
ये हो गया हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, सी दोनों में है, यहां सी फॉर काउंसिल हो गया म्यूनिसिपल काउंसिल, यहां म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, बट पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए, अबव 3 लाख. सो बेसिकली हुआ क्या, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या हुआ, पावर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ली गई, लोकल गवर्नमेंट को दी गई, स्टेट गवर्नमेंट से ली गई, लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई, राइट. इसी तरीके से यहां भी, यानी एक एक सिंपल एक लाइन में अगर आपको समझना हो कि डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, तो आप कह सकते हैं पावर विल बी टेकन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड विल बी गिवन टू लोकल गवर्नमेंट्स, राइट. और लोकल गवर्नमेंट्स की टू टाइप्स हो गए, आपने देखा अर्बन अर्बन एरियाज में अलग तरह की गवर्नमेंट होती है और रूरल एरियाज में अलग तरह की गवर्नमेंट होती है. पावर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के इन लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई, विच इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, राइट. अगर आपको समझ में आ रहा है प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब दूसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट थिंग वो ये है कि इस टॉपिक पे क्वेश्चन क्या बनेगा. इस टॉपिक पे 3 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है, दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है. आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन हो सकता है. व्हाई डू वी नीड थर्ड टीयर और थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, पहला क्वेश्चन ये आ सकता है. आफ्टर ऑल हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ही है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी है, हमें थर्ड लेवल की क्या जरूरत है, राइट. थर्ड टीयर या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जरूरत ही क्या है, व्हाई डू वी नीड इट. या क्वेश्चन दूसरा इस फॉर्म में आ सकता है, व्हाट इज द रेशनल फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स इन इंडिया. तो ये दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है, 2 मार्कर या 3 मार्कर में आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स. आप 3 मार्कर में आएगा तो 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं, 3 मार्क में आएगा बेसिकली 60 वर्ड्स लिखना होता है, 2 मार्कर में आएगा तो 40 वर्ड्स लिखना होता है. तो डिपेंडिंग ऑन दैट आप आंसर को बड़ा या छोटा कर सकते हैं. आइए समझते हैं हमें जरूरत है क्यों. पहला पॉइंट है हमारा कि हमें थर्ड टीयर या थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है. पहला पॉइंट कहता है इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इन टर्म्स ऑफ एरिया वी आर 7th largest कंट्री इन द वर्ल्ड, राइट. तो इतनी बड़ी कंट्री को केवल टू लेवल्स की गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल भरा हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन करना, राइट. इतनी बड़ी कंट्री है, इतने ढेर सारे लोग हैं. दोस्तों आपको पता होगा कि इसी साल जनवरी के महीने में हम लोगों ने एक नया अचीवमेंट हासिल किया है. नाउ वी हैव बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड थैंक्स टू ऑल ऑफ अस. हम लोग किसी मामले में तो नंबर 1 है, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो अ वास्ट कंट्री लाइक इंडिया कैन नॉट बी रन ओनली थ्रू 2 टीयर्स, राइट. क्यों, आगे देखते हैं. तो पहला है इंडिया वास्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ एरिया बोथ. स्टेट्स इन इंडिया आर एज लार्ज एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ यूरोप. यानी अगर एक तरीके से देखो तो इंडिया के अंदर ढेर सारे कंट्रीज हैं, यानी हमारी स्टेट्स हैं यूरोप की ढेर सारी इंडिपेंडेंट कंट्री से भी ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी. फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश का ले लीजिए, राइट. उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 243 मिलियन अप्रोक्स. और यहां पे स्ट्रेंज ये है कि रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया. दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन है, रशिया. हमारी यूपी की पॉपुलेशन रशिया से भी ज्यादा है, केवल यूपी की पॉपुलेशन 243 मिलियन अप्रॉक्स है और रशिया की पॉपुलेशन कितना है, 143 मिलियन के आसपास से प्रॉक्स होगी. समझ रहे हैं आप लोग, तो इतना ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है, राइट. एंड दूसरा इसमें है कि महाराष्ट्र इज अबाउट एज बिग एज जर्मनी. महाराष्ट्र की पॉपुलेशन जर्मनी के लगभग बराबर है, राइट. तो जो इतनी बड़ी कंट्री है, इतने ढेर सारे लोग हैं, तो केवल 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के लिए हैंडल करना सारी चीजों के लिए काफी चैलेंजिंग हो जाता है. हमारी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, हमारा देश भी बहुत बड़ा है, राइट. तो थर्ड लेवल की इसलिए भी हमें, थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट की हमें इसलिए भी जरूरत है. आइए देखते हैं तीसरा. मेनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स. प्लीज नोट करिए क्या बोल रहा है, हमारी कंट्री एज अ होल तो डाइवर्स ही है, विद इन स्टेट्स बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है. आप जिस भी स्टेट के हैं,
आप अपने स्टेट को टूर कीजिए एंटायरली, कभी मौका मिले तो आप नोट करिए, आप अपने घर से 50-60 किलोमीटर दूर आप जाएंगे तो आप नोट करेंगे कुछ ना कुछ आपको बदला हुआ मिलेगा इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल हम लैंग्वेज की बात करते हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के लोगों की जो भाषा है, जो लोकल डायलेक्ट है, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के लोगों की, जैसे बलिया हो गया, देवरिया हो गया, इन लोगों का जो बोलने का, बोलेंगे हिंदी ही, इन लोगों का जो बोलने का तरीका है वो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश लाइक जैसे बागपत हो गया, मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, इन लोगों के जो लोकल डायलेक्ट है टोटली अलग है। आप कभी एक्सपीरियंस कीजिए, आपको कभी मौका मिले ईस्टर्न उत्तर प्रदेश या वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जाने का, तो विद इन स्टेट ही बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ कस्टम्स, राइट, इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, सॉयल टाइप एंड ऑल, है ना। देयर इज दस अ नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीन स्टेट्स। तो ये तीन रीजन से हमें पता चले, ये कौन कौन से तीन रीजन है, अगर क्वेश्चन आता है एक बार क्विक रिकैप हम लोग करते हैं कि हमें आफ्टर ऑल हमें थर्ड टीयर और थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत है क्यों है। पहला, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, वास्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ एरिया, ये दोनों पॉइंट हमारे कवर हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो हमारे स्टेट्स हैं, जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, विद इन स्टेट्स, इवन विद इन स्टेट्स बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, और इस डाइवर्सिटी को हैंडल करने के लिए थर्ड टीयर या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की जरूरत हमें पड़ती है। आइए देखते हैं, फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टीयर ऑफ गवर्नमेंट। आप जानते हैं आ गया फेडरल पावर शेयरिंग, फेडरल पावर शेयरिंग बार फिर से आप लोगों को का ध्यान मैं दिलाना चाहता हूं कि वन ऑफ द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म इज देयर आर टू और मोर टीयर्स और लेवल ऑफ गवर्नमेंट, राइट। सो फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टीयर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। सो इन थ्री रीजंस की वजह से हमें बिलो स्टेट लेवल के, बिलो स्टेट लेवल भी लोकल गवर्नमेंट की जरूरत है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द रेशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, दस रिजल्टेड अ थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसे हम ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में हम लोग नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल्स एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं। लोकल गवर्नमेंट का मतलब यही होता है, बार बार रिपीट करने का केवल एक ही मकसद होता है कि आप लोगों को सुन सुन करके याद हो जाए, राइट। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं और देखते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। आर नेक्स्ट स्लाइड टॉक्स अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। दोस्तों डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, बहुत ही सिंपल, केवल ध्यान से सुनना, आई गारंटी यू आपको लर्न हो जाएगा। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तीन तीन टर्म याद कर लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तीन एक्टर्स हैं मेन। क्या किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दे दी गई, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। सिंपल, एक बार ये टर्म्स देख लेते हैं, पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट्स। लोकल गवर्नमेंट मीन्स अगेन रूरल एरिया में क्या हो गया, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो गया जिला परिषद, एंड अर्बन एरियाज में क्या हो गया हमारा, अर्बन एरियाज में अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, नगर पंचायत हो गई, म्यूनिसिपल काउंसिल हो गया, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये हो गया लोकल गवर्नमेंट। अब यहां पे देखें, जैसे एमसीडी है, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली है। क्यों ये कॉर्पोरेशन है, क्योंकि जिस सिटी की पॉपुलेशन अबव 3 लाख होगी, अबव 3 लाख होगी, वहां पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, काउंसिल नहीं होगी, राइट। उसी तरह एमसीडी की तरह ही बीएमसी भी है, बीएमसी भी कॉर्पोरेशन है, क्यों, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन 3 लाख से ज्यादा है। आइए देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक क्या है। नाउ सेकेंड टॉपिक सेज इंपॉर्टेंस और एडवांटेज ऑफ द थर्ड टीयर और लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है या जो थर्ड टीयर की गवर्नमेंट है उसकी क्या एडवांटेज, उसको उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। देर आर 5 पॉइंट्स, इस पे 3 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। अगेन
अगर 3 मार्कर आता है तो उसी हिसाब से आप पॉइंट बढ़ा दीजिए, 4 मार्कर आता भी आ सकता है तो उसी हिसाब से पॉइंट्स बढ़ा दीजिए, और अगर 2 मार्कर आता है उसी हिसाब से आप नंबर ऑफ वर्ड्स कम कर दीजिए। जैसे मैंने बोला कि अगर 2 मार्कर है तो 40 वर्ड्स लिखना है, 3 मार्कर है तो 60 वर्ड्स लिखना है, और अगर 5 मार्कर होता है तो 120 वर्ड्स लिखना है। आप जो वर्ड लिमिट है प्लीज़ आप लोग उसको फॉलो करिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो दूसरे आंसर को अटेम्प्ट करने का टाइम आपके पास कम पड़ जाएगा, और 5 मार्कर को 120 वर्ड से ज़्यादा लिखने का कोई फायदा नहीं, आपका टाइम अनायास का जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। सो इसके इंपॉर्टेंस 5 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से 5 पॉइंट्स हैं हम लोग देखते हैं। देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। तो पहला एडवांटेज यही है कि देर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज। अच्छा, ये लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज क्यों है? इसके 2 रीजन है। पहला कि हमारी कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया बहुत बड़ी है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, और जो स्टेट्स हैं इंडिया के इंटरनली बहुत ज़्यादा विद इन स्टेट्स बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट ज्योग्राफी है, राइट? तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। तो फर्स्ट एडवांटेज यही होगा कि लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज हैं जिनको लोकल लेवल पे अच्छे से सेटल किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज। इसको समझते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि जिस एरिया में आप रहते हैं या जिस विलेज या सिटी में आप रहते हैं, उस विलेज या सिटी में रेनी सीजन में क्या प्रॉब्लम्स आती है आपको अच्छे से पता है, समर सीजन में क्या प्रॉब्लम आती है आपको अच्छे से पता है। बट अगर जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है जिसकी कैपिटल है लखनऊ, लखनऊ में बैठी गवर्नमेंट को क्या पता कि प्रयागराज जिले के किसी एक पर्टिकुलर विलेज में समर सीजन में क्या प्रॉब्लम होती है या रेनी सीजन में क्या प्रॉब्लम होती है। या फॉर एग्जाम्पल मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है, भोपाल में जो गवर्नमेंट बैठी हुई है उसको क्या पता कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के किसी एक पर्टिकुलर गाँव में या पर्टिकुलर सिटी में, छोटी सिटी में या बड़ी सिटी में, वहाँ पे रेनी सीजन में क्या प्रॉब्लम होती है या समर सीजन में क्या प्रॉब्लम होती है। वहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनको बेटर नॉलेज होगी, जाहिर सी बात है ना? तो पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज। फॉर एग्जाम्पल मेरी लोकेलिटी में क्या प्रॉब्लम है वो मुझे बेहतर तरीके से पता होगी, राइट? आपकी लोकेलिटी में क्या प्रॉब्लम है आपको बेहतर पता होगा, राइट? तो समझते हैं, दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज ऑन वेयर टू स्पेंड मनी। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कि और हर एरिया की अलग अलग, हर विलेज की या हर सिटी की अलग अलग प्रॉब्लम होती है। मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट एक पॉलिसी बनाती है कि जितने विलेजेस हैं हर जगह क्या कह रहे जाने हैं, स्कूल्स खोले जाने हैं या रोड्स बनाए जाने हैं। अब हो सकता है कि कुछ विलेजेस में या कुछ सिटीज में रोड्स हों, वहाँ स्कूल की कमी हो या गुड हेल्थ फैसिलिटीज ना हो, तो अगर ये लोकल लोगों के लिए ही छोड़ दिया जाए कि वो खुद डिसाइड करें कि वो गुड रोड्स बनाना चाहते हैं या गुड स्कूल्स खोलना चाहते हैं या हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी करना चाहते हैं, देन इट विल बी बेटर ना, क्योंकि वहाँ लोकल लोगों को पता है कि उनकी क्या प्रॉब्लम है, राइट? अब स्टेट, क्योंकि हर गांव की, हर लोकेलिटी की, हर शहर की अलग अलग प्रॉब्लम होती है, देन इट इज बेस्ट टू लीव अप टू देम कि भाई आप खुद डिसाइड करो। जो डिसेंट्रलाइजेशन का बेसिक यही है, बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दिस कि लोकल लोग, वहां खुद के लोग वहां की प्रॉब्लम को समझे और सॉल्व करें। तो अगर देखिए ये तीनों पॉइंट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये तीनों पॉइंट इंटरलिंक्ड हैं और आप लोगों को याद करने में बहुत आसानी हो सकती। कैसे? देखिए बताता हूं। लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम एंड इश्यूज हैं, अब लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज हैं और इनकी जानकारी भी, बेटर नॉलेज लोकल लोगों को ही है प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज की, और लोकल लोग ही इस चीज को समझ सकते हैं कि मनी को कहां मनी को कहां स्पेंड करना है, किस प्रॉब्लम को, कौन सी प्रॉब्लम अर्जेंट है जिसके सॉल्यूशन में ज्यादा फंड्स एलोकेट किया जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, लोकल पीपल नो हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली, क्योंकि उनको पता है कि प्रॉब्लम भी पता है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी पता है,
कि इस प्रॉब्लम को कैसे बेस्ट तरीके से सॉल्व किया जाए। जो लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसके बारे में जाहिर सी बात है लोकल लोगों को ही पता होगा, है ना। फिर अब समझते हैं, तो ये तीनों पॉइंट इंटरलिंक्ड हैं। अब हम पढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है, एट द लोकल लेवल इट इज पॉसिबल फॉर द पीपल टू डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप लोग रिलेट कर पाओगे इस चीज से, रेनी सीजन में स्पेशली रूरल एरियाज में क्या होता है कि ड्रेनेज की बहुत बड़ी सिस्टम हो जाती है, शहरों में भी हो जाती है रेनी सीजन में। आप देखते हैं ड्रेन से पानी निकल करके लोकेलिटीज में मेन रोड्स पे आ जाता है, लोगों को उसमें से चलना पड़ता है, राइट। तो सपोज चलो विलेज का एग्जांपल लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर विलेज में रेनी सीजन में हर बार ड्रेनेज का पानी किसी पर्टिकुलर पर्सन के घर के सामने बहता है। तो जब ग्राम सभा की मीटिंग हुई तो ग्राम सभा की मीटिंग में उन्होंने ये बात रखी और बोले कि भाई ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा किया जाना चाहिए, और वो ड्रेनेज सिस्टम ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की जब मीटिंग हुई तो डिसाइड किया गया और ग्राम पंचायत ने फिर नालियां बनवाई ताकि इस तरह की प्रॉब्लम दूर हो सके। तो जब उस पर्टिकुलर पर्सन का पड़ोसी देखे गया कि यार इनके इनकी जो प्रॉब्लम थी ड्रेनेज की, ड्रेनेज का पानी इनके घर के सामने बहता था बारिश में, अब वो सही हो गई, तो क्या होगा, लोगों को इनकरेजमेंट मिलेगी कि हाँ यार हम अपनी प्रॉब्लम को ग्राम सभा की मीटिंग्स में रख सकते हैं। आप लोग जानते हैं ग्राम सभा की मीटिंग साल में 2 या 3 बार कंपलसरी है होना, है ना। इससे क्या होता है, लोगों का डायरेक्ट डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन भी होता है, तो लोगों में एंथुजियाज्म बढ़ता है कि यार अगर इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मान लीजिए किसी को ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, पीने का साफ पानी नहीं अवेलेबल है, तो ग्राम सभा की मीटिंग में अपनी बात रखी तो उनके यहाँ हैंडपम्प लग गया या ड्रिंकिंग वाटर की टैप्स लग गए, है ना। तो इससे जो उसका पड़ोसी है उसको मोटिवेशन मिलेंगे कि मैं भी अपनी प्रॉब्लम रखूँ और मेरी भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। इससे क्या हो गया, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्या होगा, हमारा पांचवा पॉइंट आ जाता है। पांचवा पॉइंट हमारा क्या है, आइए देखिए, हमारा पांचवा पॉइंट है लोकल गवर्नमेंट इज द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी विच इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सो हमने क्या देखा कि चौथा पांचवा पॉइंट, ये जो चौथा और पांचवा पॉइंट है ये इंटरलिंक्ड है कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग हेल्प्स टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। जैसे मैंने बोला कि ड्रिंकिंग वाटर की जो प्रॉब्लम थी या रेनी सीजन में जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम थी, ये ग्राम सभा की मीटिंग में बात रखी गई और ग्राम पंचायत ने इस पर एक्शन लिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो लोगों को मोटिवेशन मिलती है आगे आने की और अपने प्रॉब्लम्स को मीटिंग में रखने की, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि डेमोक्रेसी का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, वो फुलफिल होता है। डेमोक्रेसी की एक बहुत ही अच्छी डेफिनेशन अब्राहम लिंकन ने दी है, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो ये डायरेक्ट जो ग्राम सभा की मीटिंग्स होती है, ग्राम पंचायत की जो मीटिंग होती है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का बेस्ट एग्जाम्पल है। आपको प्रॉब्लम है, आप मीटिंग में बैठेंगे, लोगों से डिस्कस करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, प्रॉब्लम आई मीटिंग में आपने बैठे, सबने मिल करके प्रपोजल बनाया और उसको पास किया और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यानी खुद आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व। ये क्या हो गया, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, लोगों की डेमोक्रेसी, लोग खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, नो रिप्रेजेंटेटिव इज देयर एट ऑल, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई क्योंकि लोग अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए, जब ग्राम पंचायत की मीटिंग हुई, ग्राम पंचायत की मीटिंग में लोगों ने डिस्कस किया कि भाई ड्रेनेज की प्रॉब्लम है या ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है, उसको डिस्कस किया और अकॉर्डिंगली स्टेप्स लिए और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। इससे डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को बढ़ावा मिलता है। तो बेसिकली देयर आर 5 एडवांटेज ऑफ थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड नेक्स्ट स्लाइड टॉक्स अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन बिफोर 1992। क्या डिसेंट्रलाइजेशन शुरू से ही इतनी इफेक्टिव थी जितनी आज है? नहीं। आइए समझते हैं कि
1992 से पहले डिसेंट्रलाइजेशन की क्या स्टेटस थी. द नीड फॉर द डिसेंट्रलाइजेशन वॉज रिकॉग्नाइज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. महात्मा गांधी भी डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते थे. देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज राइट. पंचायत्स इन विलेजेस एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन अर्बन एरियाज वर सेटअप इन ऑल द स्टेट्स. इसकी भी व्यवस्था थी बट द प्रॉब्लम इज क्या वो उतने इफेक्टिव थे? बिल्कुल नहीं. क्यों क्यों नहीं इफेक्टिव थे? तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि बिफोर 1992 व्हाई वर लोकल गवर्नमेंट्स वर इन इफेक्टिव. आइए समझते हैं. तो व्हाई वाज डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव बिफोर 1992? इसके थ्री मेन रीजंस हैं. सबसे पहला रीजन है कि कोई स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं था. स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी हुई तो पंचायत्स का एंड म्यूनिसिपल काउंसिल्स का इलेक्शन करा दिया, नहीं हुई तो नहीं कराया. अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? अगर स्टेट गवर्नमेंट म्यूनिसिपल काउंसिल से या पंचायत के इलेक्शन कराती है तो जैसे आप लोगों ने समझा डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ही होता है पावर शेयरिंग. जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर थी उसको लोकल गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी. एंड बहुत कम ही इंस्टीट्यूशंस एंड पीपल लाइक टू शेयर देयर पावर. भाई अपनी पावर कौन कम करना चाहेगा? तो इसलिए जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनको रेगुलर इलेक्शन ही नहीं कराती थी. मान लो कभी इलेक्शन करा भी दिया तो फंड ही नहीं दे रहे हैं, पावर ही नहीं दे रहे. जब कोई इंस्टीट्यूशन है उसके पास फंड्स ही नहीं है और पावर्स ही नहीं है तो वो इंस्टीट्यूशन यूजलेस है. तो यही हो रहा था. आइए देखते हैं कि थ्री कौन से मेन रीजंस थे कि 1992 से पहले ये पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज वर वेरी इनइफेक्टिव. पंचायत्स एंड म्यूनिसिपैलिटीज वर डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. अब स्टेट, जैसे मैंने बोला, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी. अब स्टेट गवर्नमेंट अगर इलेक्शंस कराती है, इलेक्शन कराएगी तो जाहिर सी बात उसे पावर शेयर करना पड़ेगा. और जैसे मैंने बोला कि पावर शेयर करना कम ही, बहुत कम लोगों को अच्छा लगता है. दूसरा, इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली. इलेक्शंस ही रेगुलर नहीं होते थे. और मान लो इलेक्शन करा भी दिया तो क्या होता था? लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी पावर्स एंड रिसोर्सेज. दो चीज चाहिए काम करने के लिए, पावर चाहिए और रिसोर्सेज चाहिए. अगर रिसोर्सेज नहीं है, जैसे आप लोग देखिए पटना नगर निगम, ये देखिए सफाई कर्मी कूड़ा नहीं उठा रहे हैं या सफाई कर्मी स्ट्राइक कर रहे हैं. आप लोग न्यूज़पेपर में देखते होंगे, टीवी पे देखते होंगे कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वर्कर्स हैं या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो हॉस्पिटल्स हैं या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो स्कूल्स हैं उनके टीचर्स को सैलरी नहीं मिल रही टाइम पे, या जो डॉक्टर्स हैं उनको सैलरी नहीं मिल रही टाइम पे, या जो सफाई कर्मी हैं सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनको टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही है. लोगों को स्ट्राइक करना पड़ रहा है. वो सिटीज़ की जो सैनिटाइजेशन का काम है वो अपनी ड्यूटीज नहीं कर रहे हैं, वो धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं. राइट. आप लोग न्यूज़ में टीवी पे अखबारों में देखते होंगे. अब देखिए जैसे एक ये है, ब्रेकिंग न्यूज़ तक बन जाती है कि अहमदनगर म्यूनिसिपल वर्कर्स ऑन स्ट्राइक. जाहिर सी बात है अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे तो उस इंस्टीट्यूशन में जो लोग काम कर रहे हैं उनको सैलरी नहीं मिलेगी तो काम कैसे कर पाएंगे? राइट. और पावर नहीं होगी तब भी नहीं काम कर पाएंगे, है ना. फिर देखते हैं, दस देयर वॉज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म. ये सारे के सारे पेपर पे था. डिसेंट्रलाइजेशन सारा पेपर पे था. इफेक्टिव टर्म्स में ये मतलब बहुत ही नाम मात्र की लोकल गवर्नमेंट थी. दोस्तों आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.